गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एवरीबडी फाइन? आप ठीक? और आप? चलिए, इससे पहले के टॉपिक में हमने बात की थी कि इंसान हंटर था और एज हंटर उसने किस तरह का टूल यूज किया और किस तरह का उसके पास लाइफस्टाइल था और किस तरह के उसने एनिमल्स को रियर किया और एनिमल्स को हंट किया। तो उसके आगे हम अब बढ़ेंगे, बढ़े? चलो ठीक है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आज से कोई 12,000 साल पहले एक्चुअली इंसान जो है आबाद हुआ। तो क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स, जो इस जमीन का इल्म पढ़ते हैं, जो देखते हैं कि किस तरह से जमीन के अंदर तब्दीली आ जाती है और उन तब्दीलियों से फिर क्या असर पड़ता है, तो उनके मुताबिक अचानक आज से 12,000 साल पहले जमीन में गर्मी बढ़ने लगी। उससे पहले जमीन ठंड रहती थी और ठंड की वजह से हमारी जमीन जो थी वो रिच नहीं थी। रिच मतलब कि हम रिच कहेंगे उस आदमी को जिसके पास अवेलेबल सारी फैसिलिटीज होती है, पैसा हो उसके पास या जो भी एडवांस्ड फैसिलिटीज है साइंटिफिकली उसके पास और उसके घर में मौजूद होती हो, उसको हम रिच कहते हैं। इसी तरह जमीन, उस जमीन को हम रिच कहते हैं जो जमीन कैपेबल हो, जो जमीन ये पोटेंशियल रखती हो कि उसमें उसमें से उसमें जो ग्रो हम जो हम बोए सो करें वो उगे, पेड़ उगे, वेजिटेबल्स उगे या उसमें जानवरों के लिए इंसानों के लिए चारा उगे। मगर उस चारे को उगाने के लिए एक टेम्परेचर या वेदर या क्लाइमेट, एक मेंटेनड क्लाइमेट की जरूरत होती है। तो आज से 12,000 साल पहले एक मेजर चेंज आई इस जमीन पर, पूरी जमीन पर, ग्लोब पे। पूरी चेंज क्या आई कि क्लाइमेट जो है हीट बढ़ने लगी। उस हीट के बढ़ने से इस ग्लोब पे, ये ग्लोब की शक्ल मैंने बनाई, ये हमारा ये है इक्वेटर। तो पूरे इस जमीन पे जो हम जानते हैं, जो आपने पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया आपको ज्योग्राफी में, कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो आज 7 कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन जबकि मैं बात कर रहा हूं 12,000 साल पहले की बात, तब अभी हमने इसकी बाइफरकेशन नहीं की थी, तब इतनी आबादी नहीं थी, तब अभी इतनी जमीन अवेलेबल नहीं थी इंसान के पास। तो जब 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज हुआ, तो उस क्लाइमेट के चेंज होने से जमीन पे खुद ब खुद नेचुरली घास उगने लगी, मुख्तलिफ किस्म की घास उगने लगी, मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे उगने लगे। तो एक तो ग्रासलैंड्स, उस क्लाइमेट जब ग्रासलैंड्स हमारे पास आ गई, तो ग्रासलैंड्स जब आई दैट मीन्स कि चारा जब आया तो एनिमल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, एनिमल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई मेरे बच्चों। मतलब जब खाना ज्यादा आया तो लोग भी, लोगों की आबादी भी बढ़ने लगी। इसी तरह जब चारा आया तो जानवरों की आबादी भी बढ़ने लगी। अब इन जानवरों में कौन कौन से जानवर थे? उस वक्त के जानवर, आज से 12,000 10,000 11,000 साल पहले की जब हम बात करते हैं, उस वक्त का जानने की हम कोशिश करते हैं, तो हमारे पास डीर जो कि हम पहले भी जानते हैं, इसी तरह हमारे पास एंटीलोप एक किस्म का, ये भी एक यही डीर जैसा ही है, इसी तरह गोट, शीप और वाइल्ड एनिमल्स में हमारे पास टाइगर, एलिफेंट या रेनसोर्स या मंकीज वगैरह, ये भी बढ़ने लगे, क्योंकि ये सारे जानवर जो थे ये ग्रास पे पलने वाले ज्यादा जानवर थे, क्योंकि उस वक्त ग्रास अवेलेबल होने लगी जमीन पे। तो इसी किस्म के जानवर, टाइगर को फिलहाल आप ओमिट करिए इसमें से,
क्योंकि ये टाइगर घास खाने वाला जानवर नहीं है, ये है नॉन वेज जानवर, मीट खाता है। तो ये बाद में आया। तो एलिफेंट, गोट, शीप, डीर, एंटिलोप या इसी तरह के जानवर जो घास पे पलने वाले थे, उनका नंबर इंक्रीज होने लगा। जब उनका नंबर इंक्रीज होने लगा तो हंटर्स को भी ज्यादा मौके मिले उनका शिकार करने के लिए, तो इंसानों की आबादी भी बढ़ने लगी, ह्यूमन बींग्स की आबादी भी इंक्रीज हो गई। इसी के साथ जितना चारा उतने जानवर, जितने जानवर उतने बड़े इंसान और उतना बड़ा शिकार, तो हंटिंग भी इंक्रीज होने लगी। अब हंटिंग के साथ साथ हंटिंग किनकी करता था ये इंसान, इन्हीं जानवरों की हंटिंग करने लगा। किस चीज के लिए करने लगा वो हम बाद में देखते हैं। तो साथ में उसने देखा कि कभी कभी उसको ऐसे भी मौके मिले कि जब उसने शिकार किया किसी जानवर का, तो कुछ जानवर उसको जिंदा मिले, जिनको वो इस काबिल हो सका कि वो जिंदा इनको पकड़ सका। जैसे गोट का शिकार करने के लिए गया तो बिना मारे इसको जिंदा पकड़ पाया, ठीक। तो इसी तरह किसी शीप का शिकार करने के लिए गया तो इसको जिंदा पकड़ पाया, इसी तरह किसी एंटीलोप का शिकार करने के लिए गया तो इसको भी जिंदा पकड़ सका। कुछ को अपनी जरूरत के हिसाब से खा लिया, कुछ को रख लिया। अब जिनको रख लिया वो आगे चलकर उसके और काम आ गए। तो इसी तरह जब इंसान के पास जानवरों की इंक्रीज के साथ साथ अब ऐसे जानवर भी आने लगे जिनको वो टेम कर सका, मतलब पालतू बना सका, तो जानवरों को टेम करने के बाद उसने उनसे और तरह के काम लेना शुरू कर दिए। खासकर मेरे बच्चों, आप जानते हो कि आज भी आपने कहीं देखा कोई काट, सड़क पे कभी दौड़ते हुए देखा कोई काट, रेड़ा, कौन खींचता है इसको? हाँ, वेरी गुड, हॉर्स। तो ये हॉर्स भी कभी वाइल्ड एनिमल था, लेकिन फिर इंसान को जब मिला तो इंसान ने कभी इसको बहुत जमाने तक एज मीट या मटन यूज किया, कभी इसको मार के इसका इसकी खाल, इसकी स्किन को अपने लिए कपड़े बनाने के बदले यूज किया, लेकिन कभी जब उसका पेट भरा और जानवरों से या और चीजों से, तो इसने देखा कि हॉर्स के अंदर एक स्पीड है, एक फोर्स है, एक ताकत है, इसे और भी काम लिए जा सकते हैं, तो एक कार्ट बना सका और ये हॉर्स उसका पहला ट्रांसपोर्ट भी बना। तो एनिमल्स को पकड़ने, टेम करने के बाद जहां उसने दूध हासिल करना शुरू किया इनसे, जहां उसने मटन इनसे हासिल करना शुरू शुरू किया, एग्स हासिल करना शुरू किए, स्किन हासिल करना शुरू किया, इनके बोन्स को एज टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वहीं पे इसने इन जानवरों को अपने लिए एज ट्रांसपोर्ट भी यूज करना शुरू किया। और साथ में इन जानवर ने एक और चीज इस इंसान को सिखाई। क्या सिखाया इन जानवर ने? क्योंकि इंसान इनका शिकार करता था, क्योंकि जानवर जो थे खुले खुले थे, बंधे हुए नहीं थे, ये पेड़ नहीं जो एक जगह पे बंधा हुआ है, कहीं हिलेगा नहीं। जानवर कभी यहां घास चरता है, यहां घास खत्म की तो कहीं दूसरी जगह चलाता है, चला जाता है घास चरने के लिए, या कभी कभी जब जानवर को शक हो जाता है कि कोई इंसान मेरा शिकार करने के लिए आ रहा है तो जानवर भाग जाता है, भागते भागते कभी वो किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो इंसान भी जानवरों का शिकार करते करते एक जगह से दूसरी जगह चले गए। इससे क्या हुआ? इससे इंसान को पता चला जब जानवरों के पीछे पीछे उनकी हंटिंग करते करते इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला गया, या एक इलाके से हम कहेंगे किसी दूसरे इलाके चला गया। समझ लो कि हम एक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग हैं, तो कभी ऐसा मौका भी मिल जाता है, कभी पिकनिक की वसातत से, कभी एक्सकर्शन की वसातत से, या कभी किसी शादी किसी ओकेजन में हम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या कहीं दूर चले जाते हैं, कभी ऐसा भी मौका मिल जाता है कि हम अपनी स्टेट से कहीं बाहर भी चले जाएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हम देख पाते हैं कि हमारा अपना सोशल सेटअप जो है, हमारा अपना वेदर जो है, हमारा अपना क्लाइमेट जो है, वो और जगह नहीं है उस तरह का, और जगह डिफरेंट है। ये इंसान यहां भी यही सीखने लगा। जब शिकार करते करते ये इंसान इन जानवरों के पीछे चल पड़ा तो ये समझ लो कि ए डेस्टिनेशन से चल के बी डेस्टिनेशन में आ गया। जब ये ए डेस्टिनेशन से, ए जगह, ए गांव से बी गांव में चला गया, तो देखा उसने कि इसमें बीच में डिस्टेंस कभी 30 किलोमीटर की, कभी 50 किलोमीटर, कभी 100 किलोमीटर की, कभी 10 किलोमीटर की, कभी बीच में माउंटेन्स आए, कभी बीच में लेक्स आए, कभी बीच में रिवर्स आए, कभी बीच में सीज आए। तो ये उसने देखा कि
इसने देखा कि ए और बी में कुछ डिफरेंस है। किन में डिफरेंस है? ग्रास में डिफरेंस है, एनिमल्स में डिफरेंस है, प्लांट्स में डिफरेंस है, टोपोग्राफी में डिफरेंस है, क्लाइमेट में डिफरेंस है, वेदर में डिफरेंस है, पानी में डिफरेंस है और मिट्टी में डिफरेंस है। तो शिकार करते करते ये इंसान ये चीजें भी सीखता गया। इस सीख से उसे क्या मिला कि वो पहले वो खुद भी नोमेड था, वो खुद भी उसका भी कहीं पर एक कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो इंसान जब जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, अभी अभी का ये इंसान केव्स में रहने वाला इंसान था। अभी उसके पास हट्स बनाने का, हाउसेस बनाने का, होम बनाने का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि इसे पता था कि जहां जानवर जाएंगे वहां मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जानवर माइग्रेट होते थे ग्रास ढूंढने की या अपने लिए गजा ढूंढने की तलाश में चल पड़ते थे। ये भी उनके शिकार के उस कोशिश में उनके पीछे पीछे चल पड़ता था, लिहाजा ये कहीं पर अपने केव्स बना नहीं सका, क्योंकि अभी ये गैदरर था, अभी ये प्रोड्यूसर नहीं था। लेकिन जब एक जगह से दूसरी जगह चला गया, उसने देखा कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंस है, और उसने देखा कि अलग अलग फ्रूट्स के प्लांट्स मिल रहे हैं मुझे, कहीं पर मैंगो देखा, कहीं पर मेलन देखा, कहीं पर और तरह के, कहीं एप्पल देखा, कहीं ऑरेंज देखा। तो उसने देखा कि ये क्या चीज है, ये क्लाइमेट ये बनते किस तरह है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये उसके दिमाग में बैठता गया और इस पे वो गोरखोज करता गया। तो जानवरों ने उसे ये चीज सिखाया कि और भी दुनिया है ढूंढने के लिए, और भी चीजें हैं जानने के लिए। जानवरों के शिकार करते करते ये सीखता गया। फिर एक दिन समझ लो कि इत्तेफाक हम कहें या अल्लाह का करना कहें, तो ये बंदा बैठा था, इसने हाल ताजा ताजा फ्रूट जंगल से पेड़ों से काट के लाए थे, खा रहा था, बच्चे भी थे पास में। तो खाते खाते जब कोई भी जब ये फ्रूट खा रहा था या जो भी उसे मिला था फ्रूट मेवा उसको खा रहा था, उसके अंदर से बीज मिले, सीड्स जिसको हम कहते हैं। तो उसे पता नहीं था कि सीड क्या चीज है और इससे क्या करामतें, क्या चीज, क्या मैजिक हो सकता है। तो उसने सीड जब उसे मुंह में मिला तो उसने सीड को बाहर फेंक दिया। अब फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से जहां पर यह सीड पड़ा, जो उसने खाया फ्रूट उसके अंदर से जो सीड निकला, जहां पर ये पड़ा वहां ताजा ताजा उसने जमीन खोदी थी अपना एक केव बनाने के लिए, वहां पर ताजा मिट्टी थी, खुदी हुई मिट्टी थी। अब ये सीड उस पे पड़ा। अब थोड़ी देर के बाद, समझ लो 4 घंटे 5 घंटे के बाद, और नेचुरली फॉर्चुनेट था, अल्लाह का करना था, इंसान को सीखना था, तो बारिश हुई। तो उस मिट्टी पे भी बारिश गिरी, यानी वाटर, यानी जहां ऑलरेडी उसने जमीन को खोद के रखा था वहां पर जो सीड पड़ा, तो उस पर अल्लाह ताला ने खुद ही अपने भगवान या अल्लाह ताला ने खुद ही बारिश की वजह से उसे पानी दे दिया। अब उसे क्या पता था कि मैंने जमीन खोदी, किस लिए खोदी, उसने केव बनाने के लिए खोदी। उसे क्या पता था कि सीड जो मैंने उसमें फेंका उसका क्या बनेगा, उसे क्या पता था कि वाटर इसमें क्या चमत्कार करेगा। लेकिन 2-4 दिन के बाद देखा, उसने उस खुदी हुई मिट्टी पे देखा कि छोटे छोटे कोंपले बाहर आई है, जितने सीड्स पड़े थे उतनी ये बाहर आ गई थी। अब ये सोचने लगा कि व्हाट इज द मैटर, मसला क्या है, ये व्हाट इज दिस, हाउ दिस हैज बीन पॉसिबल, ये क्या चीज है। उसने छोटा सा पत्थर उठाया, इस जो ये कोंपले बाहर आ गई थी, खोदना शुरू किया तो नीचे देखा कि ये सीड अभी मौजूद था, जिसमें से जो सीड अब फटके, जिसमें से ये छोटा सा नन्ना सा पौधा बाहर आया था। अब ये समझ गया कि जो फ्रूट मैंने खा लिया, उस फ्रूट के अंदर से जो सीड मिला, उस सीड को अगर खुदी हुई जमीन पे डाल दिया जाए, थोड़ा पानी दे दिया जाए, वेट किया जाए, तो ऐसे प्लांटेशन हो सकती है। तो आगे चलकर उसने देखा कि ये पेड़ बड़े होते गए और इन पे भी वही फल लगने शुरू हो गए जो फल उसने जो नेचुरली वो खा लेता था। तो यहां इसके अंदर कंसेप्ट ये आया कि दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर का काम, यानी पेड़ों को उगाने का काम और उनसे फसलें हासिल करने का काम किया जा सकता है। तो ये चीज आने के बाद और एनिमल्स को टेम करने के बाद, एनिमल्स को पालतू बनाने के बाद, और फिर और एक चमत्कार हुआ, वो चमत्कार के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये तीनों मिलकर, इन तीनों ने कितना बड़ा चमत्कार किया इस इंसान की जिंदगी में, आप भी हैरान रहेंगे और मैं भी हैरान हूं और दुनिया हैरान है। क्या हुआ कि ये जो
पत्थरों के अभी हथियार यूज करने वाला बंदा था या लकड़ी का या हड्डियों का हथियार यूज करने वाला बंदा था, तो एक दिन पत्थर से पत्थर को ये तराश रहा था, मतलब he was sharpening a stone with a stone और by a stone, ताकि उसे इस तरह का बना लिया जाए कि ये as tool इसको इसको काम में ला सके। तो हुआ क्या कि फॉर्चुनेटली यहां भी हम कहेंगे कि उसके हाथ में एक ऐसा पत्थर आया जिसमें से चिंगारियां स्पार्क्स बाहर आने लगी। अब ये उसे क्या थोड़ी पता था कि what is this spark एंड what can it be used, किस चीज के लिए यूज किया, उसे क्या पता था। वो अपने ही धुन में मस्त हथियार बनाने की फिक्र में लगा था। उसने पत्थरों से पत्थरों को तोड़ रहा था, इसको सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, सॉफ्ट इन टच बनाने की, थोड़ा सा शार्प बनाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसमें से एक चिंगारी निकली। पत्थर पे जब पत्थर की मार पड़ी तो एक चिंगारी, एक स्पार्क बाहर आई। जब ये स्पार्क बाहर आई, फॉर्चुनेटली आसपास जो वहां का माहौल था वो माहौल समझ लीजिए, या हम गैसवर्क यहां पे कर सकते हैं या प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये शायद ऑटम का जमाना था, यानी मौसमी खजान का, क्योंकि मौसमी खजान में ऑटोमेटिकली पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, सूखे पत्ते आसपास मौजूद रहते हैं। आप भी इसमें ऑटम में देखते होंगे कि ऑटोमेटिकली पत्ते झड़ते हैं, पेड़ अपने पत्ते झड़ते हैं और वो नीचे गिरते रहते हैं, वो सूखे होते हैं, अगर उन्हें जलाया जाए तो क्विक जल लेते हैं क्योंकि अभी उनमें ग्रीनरी या उनमें वो वेटनेस नहीं होती है। तो ये भी ऐसा ही जमाना था शायद, यहां पर हम प्रिटेंड करते हैं क्योंकि जो हुआ वो इसी वजह से वही कह रहा है कि ऐसा हुआ होगा। तो स्पार्क जब निकली इन पत्थरों से, वो उस उन पत्थर उन पत्तों पे लीव्स पे जो पेड़ों से गिर के या छोटी छोटी टहनियां गिर के आ गई थी या सूखी घास जो पड़ी थी उस पे गिरी तो आग लग गई। तो दैट मींस कि ये चीज उसके दिमाग में पहले कभी थी नहीं, आग के बारे में वो जानता नहीं था। तो अब ये पहले तो वो डर गया कि ये क्या चीज आ गई सामने, थोड़ा करीब गया तो गर्मी लगी, थोड़ा दूर गया तो ठंड लगी। अब उसने कहा कि ये कोई चमत्कारी चीज है। अब उसने आगे चलकर देखा कि जानवर जो वाइल्ड एनिमल्स थे जो उसके लिए एक बड़ा खतरा थे, जो उसको रात में आके फाड़ते चीर फाड़ करते थे और उसको डैमेज कर लेते थे, उसने देखा कि जब आग जली रही वाइल्ड एनिमल्स उस आग को देख के डरने लगे, भाग गए। तो उसने कहा कि ये तो काम की चीज है फायर, ये तो एक और टूल मेरे हाथ में आया, या और एक चमत्कार क्या हुआ। अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए, खुद की भूख मिटाने के लिए वो शिकार पे चला गया, किसी जानवर का शिकार करके ले आया। अब जब शिकार करके ले आया तो घर पहुंचा, अपनी केव के पास आसपास पहुंचा, उसने उस जानवर के टुकड़े कर दिए क्योंकि दो चार लोग थे घर के, उस सब में बांटना था, तो किसी के हिस्से में एक पीस आया, किसी के हिस्से में दूसरा, किसी के तीसरा, किसी के सारे बॉडी पार्ट्स जो उस जानवर जिसका भी उसने शिकार करके लाया था उसके पार्ट्स करके जब उसने सब में बांट दिए तो कोई एक बिगड़ गया कि मुझे कम मिला या मुझे ज्यादा, किसी ने कहा मुझे ज्यादा मिला। तो एक घर के अंदर एक इशू ऐसा बना कि अब किसको, तराजू तो था नहीं, मेजरमेंट तो था नहीं, कोई मेजर कैसे करे, कितना किसको देना है। अब मिला किसी को छोटा पीस, किसी को बड़ा पीस, अब किसी को जो छोटा पीस मिला वो रूठ गया क्योंकि मुझे क्यों छोटा पीस मिला, मुझे डेली छोटा पीस मिलता है, डैडी या अब पापा जो भी कहते होंगे वो अक्सर मुझे छोटा पीस दे देते हैं। क्योंकि आग जल रही थी सामने, आग दो दिन से जल रही थी, आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि ये समझ गया था कि सिर्फ पत्ते इसमें डाल के नहीं जलते हैं, लकड़ी डालेंगे तो जला लेंगे, क्योंकि अब इसको चालू रखना था, इसको जारी रखना था क्योंकि ये एक हथियार था उसको वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए। अब एक और चमत्कार क्या हुआ, जब जिस बच्चे को ये छोटा पीस मिला था मीट का, उसने बड़ा पीस मांगा, उसे दिया नहीं गया, उसने ये छोटा पीस उठा के दे मारा किसमें, आग में। अब ग्रैंड हेडमैन जो था फैमिली का, जिसने बड़ी मुश्किल से यह शिकार करके लाया था, उसे काफी गुस्सा आया, वो इरिटेट हो गया, कहा कि पागल तुमने क्या कर दिया, आज इतने दिनों के बाद मैं शिकार करने के काबिल हुआ और तुमने इसको फेंक दिया। अब उठा, कोई लकड़ी का डंडा लेके आया, ढूंढने लगा आग में। अब मिनट दो मिनट तो लगे, तब तक क्या हुआ था, उस बूटी को जो उसने मीट की डाली थी उस आग में, तब तक वो बुन चुकी थी। तो बुनी हुई बूटी जो उसे मिली आग से उठा दिया, थोड़ा सा उसको हाथों से ठंडा होने के बाद हाथों में उठा लिया, कहा कि कोई बात नहीं, अब मेरा बड़ा पीस खा, चलो मैं छोटा ही गंदा पीस ही खा लेता हूं। जब उसने खाना शुरू कर दिया तो उसने देखा कि
अले ये तो इसमें तो ये टेस्ट ही चेंज है, ये तो बड़ी मजेदार चीज है। मतलब कि अगर किसी रॉ चीज को, मीट, रॉ मीट को खाने से पहले उसका टेस्ट बनाने के लिए, उसको और ज्यादा शानदार वंडरफुल बनाने के लिए अगर थोड़ी देर के लिए या कुछ देर के लिए आग में डाला जाए तो ज्यादा टेस्टफुल बन सकता है। तो यहां उसने एक और, इस इंसान ने एक और चीज सीखी, कुकिंग। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा टॉपिक एक्चुअली क्या है कि इंसान कैसे फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना, इंसान कैसे अनसेटल्ड लाइफ से चल के सेटल्ड लाइफ में चला आया, इंसान कैसे हंटर की लाइफ छोड़ के फार्मर की लाइफ में चला आया, इंसान कैसे छोड़ के पुरानी लाइफ को छोड़ के एक एडवांस्ड लाइफ में चला आया, इंसान कैसे अनकंफर्टेबल जिंदगी को छोड़ के कंफर्टेबल की तरफ आ रहा है। पहले हाथ उसके जख्मी होते थे खुरदुरे इस्तेमाल करने वाले इन हथियारों से, अब आग की वजह से, अब लकड़ी हासिल होने की वजह से, बूंद हासिल होने की वजह से और अक्ल को इस्तेमाल करने की वजह से उसके पास इतनी बड़ी बड़ी चीजें आ गई कि उसकी जिंदगी अब कंफर्टेबल होने लगी। इन सारी चीजों ने, और टेमिंग ऑफ एनिमल्स जो मैं भूल गया इसकी वजह से भी, इन सारी चीजों को मिलकर जब हम जोड़ते हैं तो एक नई जिंदगी का आगाज होता है और उस जिंदगी को क्या कहते हैं हम, सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ की जिंदगी का आगाज होता है। यानी यह नॉमेड जो था, यह खाना बदोश इंसान जो था, जो जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं था, जिसका कोई अपना मकान नहीं था, जो कहीं एक परमानेंट जगह पर रहने वाला बंदा नहीं था, इन जानवरों के साथ ये भी दर बदर फिरता रहता था, अब चेंज हो गया इसका पैटर्न, अब ये एक जगह सेटल होने लगा। क्योंकि प्लांट्स को अब ग्रो कर रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में जानता था, कोई पेड़ उसने लगाया, कोई पेड़ दो महीने में तैयार होता है, दो महीने में फल देना शुरू, जैसे दालें हम उगाते हैं तो दो महीने, पंद्रह दिन में, बीस दिन में, महीने में भी तैयार हो जाती है, लेकिन अगर राइस उगाना हो तो उसके लिए चार पांच महीनों की, पांच महीनों के वक्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर एप्पल ट्री उगाना हो, ऑरेंज ट्री उगाना हो, मैंगो ट्री उगाना हो, उसमें सालों की जरूरत पड़ती है। जब उसने ये चीजें सीखी, इन इस सीख ने इंसान को बंद कर दिया एक जगह रहने के लिए। जब एक जगह रहने के लिए इसको बंद कर दिया तो उसने अल्टरनेट सोचा कि केव से निकल के मैं और क्या कर सकता हूं, तो कंसेप्ट आया उसको क्या बनाने का, हट्स बनाने का। पहली हट्स जो बनी इसी जमाने में, आज से कोई 12,000 या 11,000 साल पहले की बात या 10,000 साल पहले की बात हम करते हैं कि हट्स में रहना शुरू कर दिया उसने। अब नियोलिथिक एज में यह आया था, अब अभी मेटल उसके पास नहीं था, मेटल को अभी डिस्कवर इसने नहीं किया था, अभी सिर्फ फायर, अभी सिर्फ ये टेमिंग ऑफ एनिमल्स और फूड को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांटेशन के बारे में ये जान सका था, लेकिन लाइफ सेटल होने लगी क्योंकि इन चीजों ने इसे एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया और मसला हल हो गया। अब उसने सिलेक्शन जो कर दी, मगर एक और मसला ये था कि सिर्फ इतनी ही चीजें जरूरी नहीं थी। एक और चीज जो हम लास्ट टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं, वाटर। तो इसने जहां पर ये आशियाना अपना बना लिया वहां पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो थी लाइफ की, दैट वाज वाटर। तो इसीलिए दुनिया की पहली सिविलाइजेशंस जो हमारे पास है मौजूद, जो अवेलेबल है हमारी बुक्स में, वो सारी की सारी दरियाओं के आसपास आबाद थी। जैसे हम चाइनीज सिविलाइजेशन देखते हैं तो दरियाए हांगहू पे आबाद हुई, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी तहजीब देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पा सिविलाइजेशन जिसका और दूसरा नाम, या मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन तो रिवर सिंध पे ये आबाद हुई। इसी तरह मिस्र की सबसे पुरानी तहजीब है, इजिप्ट की तो रिवर नाइल पे ये वजूद में आई, मतलब दरियाओं के आसपास, क्योंकि ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी इस इंसान की, वाटर। अब वाटर, दरियाओं के आसपास रहना, फेवरेबल वेदर कंडीशन नहीं थी, लेकिन हट्स बनाने के बाद इसने क्लाइमेट को फेवरेबल बना लिया। कैसे बना लिया, क्योंकि अब जब फूड को प्रोड्यूस करना ये सीख चुका, अब ये एनिमल्स को टेम करना भी अब ये जाना, अब इसके पास थोड़े अच्छे हथियार भी आ गए, तो इसको लगा कि ऐसा भी होता है जमाने में, मतलब साल में कुछ महीने गर्मी रहती है, कुछ महीने फिर
ठंड रहती है, क्योंकि अभी ये सीजन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था कि साल के जो हम चार मौसम होते हैं, बहार होता है, खजान होता है, सरमा होता है, गर्मा होता है, अभी इसको इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। हाँ, इतना पता था कि गर्मी के होते हैं और सर्दी के होते हैं, और गर्मी में अवेलेबल है ग्रीनरी, अवेलेबल है जानवरों के लिए, पास्चर्स अवेलेबल है, प्लांट्स में भी फूड अवेलेबल है, फ्रूट्स अवेलेबल है, लेकिन सर्दियों का मौसम जब आता है तो ये चीजें अवेलेबल नहीं रहती है। लिहाजा इसने सीखा कि अब क्या किया जाए, तो स्टोर करना सीखा इसने। ये भी सीख गया कि अगर गर्मी में जो फ्रूट मैंने या जो ग्रेन्स मैंने हासिल कर लिए, अगर ऐसे ही रख दिए ओपन में, तो कीड़े पड़ने की वजह से ये खराब हो जाता है और फिर ये इस काबिल नहीं रहता कि इसको खाया जाए। लिहाजा इसने पिट्स के अंदर या इन सुराहियों के अंदर जो अंदर से ठंडी रहती है, क्योंकि ठंड की वजह से उसने जो कुछ स्टोर किया वो सेव रहा। तो ये चीजें बनाने के बाद अब इंसान हम समझते हैं कि नॉमेड लाइफ से आगे चलकर ये सेटल्ड लाइफ में आने लगा। तो ये चमत्कारी कुछ स्टेप्स जो इसकी जिंदगी में हुए, हम कह सकते हैं कि अब इंसान चेंज हुआ फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर की तरफ। फूड प्रोड्यूसर बनने के बाद अब इंसान को मौका मिला, जब इसने अनाज स्टोर किया, अब इसे हंटिंग पर जाने की जरूरत नहीं थी, अब इसे लेजर टाइम मिला। लेजर टाइम मेरे बच्चों क्या हुआ, फुर्सत का टाइम मिला, क्योंकि पहले इसको टेंशन रहता है कि सुबह खाया शाम को क्या खाऊं, शाम को खाया सुबह क्या खिलाऊं, इसके अंदर यही परेशानी रहती थी, ये इसी परेशानी में बिल्कुल इन्वॉल्व रहता था कि कहां से मैं कौन सा जानवर, किस जानवर का मैं शिकार करूं, कैसे मिले, कैसे खाना मिले, कैसे ग्रेन्स मिले, कैसे फ्रूट मिले। अब जब इसने स्टोर कर दिया तो इसके पास लेजर टाइम आया, फुर्सत का मतलब लम्हात ऐसे मिले कि अभी कुछ और भी सोचने लगा। तो इसका ध्यान कभी म्यूजिक की तरफ गया, क्योंकि हमें जो केव्स मिली फ्रांस के अंदर, या हमें जो केव्स मिली यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, या यहां कश्मीर में बुरजहामा के अंदर, हमने देखा उन पत्थरों पे उसने पेंटिंग्स की है। तो इंसान पेंटिंग्स या म्यूजिक, या हम कहेंगे कि एंजॉय करने के लिए, मतलब एंजॉय तब करेगा जब उसे फुर्सत मिले। तो ये चीजें जब उसे मिली, पेंटिंग्स, म्यूजिक वगैरह, तो इंसान को ये तभी हासिल हुआ जब इंसान ग्रेन्स को स्टोर कर सका। उसने म्यूजिक की तरफ ध्यान दिया तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए, पेंटिंग सीखी, क्योंकि मैंने अभी बता दिया आपको कि फ्रांस के अंदर जो केव्स मिली उनकी दीवारों पे पेंटिंग्स पेंट की हुई जानवरों की शक्लें हैं। और अब एक और चीज भी इसके अंदर आ गया, वो था कि एक रिलीजियस टेस्ट, कि कोई ताकत है जो इस दुनिया को चलाती है। और साथ में उसने रिपोर्ट किया अब कि डेथ्स भी होती है उसके अंदर भी, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी। अब इनका क्या करें, अब ये पहले तो ऐसे ही कभी पानी में फेंक देता था किसी डेड बॉडी को या जमीन में डाल दिया। अब मगर जब उसे लेजर मिला, फुर्सत मिली, तो इस फुर्सत ने इसे यह बता दिया कि कोई सुप्रीम पावर है इस दुनिया को चलाने वाला, जो आफ्ताब को चढ़ाता है, शाम को रात लाता है, दिन बनाता है, दिन को रात में चेंज करता है, रात को दिन में चेंज करता है, तो वो है कोई ताकत। लिहाजा ये जो डेड बॉडी है अब मेरे पास, जो मेरे ग्रैंड फादर की है, किसी की डेथ हो गई, अब ये कहीं और चला गया, तो क्या पता कि इसे वहां भूख लगे। इसने इसको दफन करना शुरू किया, मगर दफन ऐसे नहीं किया, दफन जब किया तो साथ में इसको कहा कि क्या पता कि अभी जागे, हमारे सामने ना जागे, क्या पता कि आगे चलकर जमीन के अंदर या पानी के अंदर मैंने इस बॉडी को डाल दिया जागे। लिहाजा इसने इसके साथ एडिबल आइटम्स कुछ साथ रखी, जैसे गोट का मीट या कभी कभी जिंदा चीजें भी, या ग्रीन्स। तो ये एक सेटल्ड लाइफ का आगाज था। उसके बाद कितनी डेवलपमेंट, कितनी एडवांसमेंट आ गई, वो आप देख रहे हो कि आज हमारे पास क्या है। तो टाइम मेरा तकरीबन खत्म हो रहा है, तो अब आपके लिए यह है कि अब घर में जाके चार्ट्स बनाओ, इसी तरह के टूल्स बनाओ, इसी तरह ट्राई टू मेक स्केचेस, या इसी तरह ड्रॉ डिफरेंट एनिमल्स की शक्लें बना लो, आप डॉग की शक्ल बनाओ, गोट की शक्ल बनाओ, शीप की शक्ल बनाओ, या इसी तरह आप और ये क्या कर सकते हो, घर में डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमने इसमें पढ़े उनको अपनी नोटबुक पे नोट करो, उनकी स्पेलिंग्स याद करो, उनकी प्रोनाउंसिएशन को चेक करो किस तरह पढ़े जाएंगे। तो एक्सरसाइज जो लास्ट में दी है तो वो क्वेश्चंस में कल आपको लिखा दूंगा। आज के लिए इतना काफी। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।